हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आइए हम लोग इस वीडियो में द लाइट ऑफ एशिया के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर को स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाई डिड द किंग ट्राई टू कीप द प्रिंस अवे फ्रॉम द पेन एंड सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि व्हाई, क्यों डिड द किंग, राजा ने ट्राई, कोशिश की टू कीप द प्रिंस अवे, राजा को दूर रखने की, फ्रॉम द पेन, कष्ट से, पेन एंड सफरिंग मतलब दोनों का मतलब होता है कष्ट, दुख और दर्द। पेन एंड सफरिंग मतलब दुख और दर्द। कह रहा है कि क्यों राजा ने राजकुमार को संसार के दुख और दर्द से दूर रखने की कोशिश की। यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है कि राजा ने राजकुमार को संसार के दुख व दर्द से दूर रखने का प्रयास क्यों किया। पेन एंड सफरिंग मतलब होता है दुख और दर्द, और कीप मतलब होता है दूर रखना। तो फ्रेंड्स हम लोग इसके आंसर को स्टडी करते हैं। देखिए लिखा है कि फेट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैंस लाइफ। कह रहा है कि फेट भाग्य, प्लेस भाग्य भूमिका निभाता है, एन इम्पोर्टेंट कह रहा है कि फेट भाग्य प्लेस निभाता है एन इम्पोर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका इन मैंस लाइफ, मनुष्य के जीवन, अर्थात भाग्य मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्हाट इज फेटेड, कह रहा है कि जो लिखा गया है कैन नॉट बी चेंज्ड, उसको बदला नहीं जा सकता, भाग्य में जो लिखा गया है उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ह्यूमन एफर्ट्स, कह रहा है कि मानव प्रयास आर ऑफ नो यूज इन दिस फील्ड, कह रहा है कि इस क्षेत्र में मानव के प्रयास का करे आप नो यूज, कोई लाभ नहीं है, मतलब भाग में जो लिख गया है मनुष्य कितना ही प्रयास कर ले उसका कोई लाभ नहीं, उसको बदल नहीं सकता। दिस इज वेल एक्सप्लेन्ड, करे इस बात को वेल एक्सप्लेन्ड, अच्छी तरह से समझाया गया है इन द लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया में। करे कि व्हेन सिद्धार्थ वॉज बॉर्न, जब सिद्धार्थ पैदा हुए, असेस केम टू किंग्स पैलेस, तो एक असेज करे सेम होता है साधु, एक साधु केम टू किंग्स पैलेस, राजा के महल आया। ही प्रेडिक्टेड, ही प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, ही प्रेडिक्टेड, उसने भविष्यवाणी की दैट की द प्रिंस वुड बी आइदर ए चक्रवर्ती किंग, उसने कहा कि राजा, सॉरी उसने कहा कि राजकुमार जो है या तो एक चक्रवर्ती राजा बनेगा, आर अ ग्रेट सेंट, या एक महान संत बनेगा। ही वुड गिव न्यू लाइट टू द वर्ल्ड, कह रहा है कि वह संसार को एक नया लाइट देगा, अर्थात संसार को एक नया प्रकाश देगा। ही वुड बिकम इमोर्टल, वह अमर हो जाएगा इन दिस वे, इस तरह वह अमर हो जाएगा। द किंग वॉज डिस्टर्ब्ड, राजा परेशान हो गए बाय दिस प्रोफेसी, इस भविष्यवाणी से, प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी, राजा इस भविष्यवाणी से परेशान हो गए। ही डिड नॉट वॉन्ट, वह नहीं चाहते थे दैट की हिज ओनली सन, कि उनका एकलौता पुत्र शुड लीव द पैलेस, महल को छोड़ दे एंड बी अ हर्मिट, और एक साधु बन जाए। वो तो वह नहीं चाहते थे उनका एकलौता पुत्र जो है महल को छोड़कर साधु बन जाए। ही वांटेड, वह चाहते थे कि हिज सन टू बी अ किंग, कि उनका पुत्र एक राजा बने। सो इस प्रकार ही ट्राइड हिज बेस्ट, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की टू कीप द प्रिंस अवे, राजा को दूर रखने की, फ्रॉम पेन एंड सफरिंग, करे दुख एंड सफरिंग और दर्द से, उन्होंने राजा को दुख और कष्ट से दूर रखने की कोशिश की आप दौड़ना संसार की। करा इस प्रकार, फिर से बता दूं, करा इस प्रकार ही ट्राइड हिज बेस्ट, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की टू कीप द प्रिंस अवे, राजकुमार को दूर रखने की, फ्रॉम पेन एंड सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, संसार के दुख और दर्द से। द किंग मैरिड हिम, राजा ने उनकी शादी कर दी टू ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस, एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से। ही बिल्ट फॉर द प्रिंस अ पैलेस ऑफ प्लीजर, करा कि उन्होंने जो है बिल्ट फॉर द प्रिंस, राजकुमार के लिए बनवाया, क्या बनवाया, अ पैलेस ऑफ प्लीजर, आनंद महल, मतलब एक महल जिसमें आनंद ही आनंद हो। व्हेन, करा कि जब द प्रिंस वांटेड टू गो आउट ऑफ हिज पैलेस, करा कि जब द प्रिंस, राजकुमार वांटेड टू गो आउट ऑफ हिज पैलेस, अपने महल से बाहर जाना चाहते थे, टू सी द सिटी, शहर को देखने के लिए, द किंग टुक एवरी केयर, तो राजा ने टुक एवरी केयर, हर ख्याल रखा, अबाउट द प्रिंस विजिट, राजकुमार के भ्रमण के बारे में। जब राजकुमार अपने महल से बाहर शहर को देखने जाना चाहते थे तो राजा ने जो है
राजकुमार के भ्रमण का हर ख्याल रखा। द पीपुल वर ऑर्डर्ड, लोगों को आदेश दिया गया टू डेकोरेट द सिटी, शहर को सजाने के लिए। द प्रिंस शुड नॉट सी एनी अगली साइड, कह रहा कि राजकुमार को कोई भी अगली साइड दिखाई न दे, मतलब अगली साइड मतलब कोई बुरा दृश्य दिखाई न दे। नो ब्लाइंड, कोई अंधा दिखाई न दे। वीक, कमजोर दिखाई न दे। सिक, बीमार दिखाई न दे। ओल्ड, वृद्ध दिखाई न दे। एंड लीपर और कोढ़ी, एंड लीपर और कोढ़ी जो है शुड अपियर बिफोर द प्रिंस। कह रहा कि ये सारे लोग ब्लाइंड, अंधा, कमजोर, बीमार, वृद्ध और कोढ़ी व्यक्ति शुड अपियर बिफोर द प्रिंस, राजकुमार के सामने प्रकट न हो, अर्थात उनके सामने न आए। देयर शुड बी प्लेजेंट साइट ऑल अराउंड, उन्होंने कहा कि देयर शुड बी प्लेजेंट साइट ऑल अराउंड, हर तरफ जो है प्लेजेंट साइट होना चाहिए, मतलब एक सुहावना दृश्य होना चाहिए या एक अच्छा दृश्य होना चाहिए हर तरफ। इवन देन, फिर भी द प्रिंस सा एन ओल्ड मैन, फिर भी राजकुमार एक वृद्ध व्यक्ति को देख गए, मतलब इतनी सतर्कता के बावजूद जो है उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दे दिया। नेक्स्ट है कि द किंग ट्राइड हिज बेस्ट, राजा ने पूरी कोशिश की टू चेंज हिज माइंड, उनके मन को बदलने की। बट ऑल हिज अटेम्प्ट इज द प्रयास, कि लेकिन ऑल हिज अटेम्प्ट, उनके सारे प्रयास वेर ऑफ नो यूज, किसी काम नहीं आए। द प्रिंस वेंट टू विजिट द आउटसाइड वर्ल्ड वंस अगेन, कि राजकुमार जो है वेंट टू विजिट द आउटसाइड वर्ल्ड, वह बाहर की दुनिया को देखने के लिए निकले। वंस अगेन, एक बार फिर वह जो है बाहर की दुनिया को देखने के लिए निकले। दिस टाइम, इस बार ही सा ए सिक मैन, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। एंड देन और तब अ डेड बॉडी, एक मृत व्यक्ति को देखा। द इफेक्ट ऑफ एवरी साइट, कि हर दृश्य का प्रभाव वॉज वेरी डीप ऑन हिम, उनके ऊपर बहुत गहरा पड़ा। हर दृश्य का प्रभाव उनके ऊपर बहुत ही गहरा पड़ा। ही वॉज फील्ड विथ पिटी, वह दया से भर गए फॉर सफरिंग ह्यूमैनिटी, कि कष्ट सहते हुए मानव के लिए, वह कष्ट सहते हुए मानव के लिए दया से भर गए। एट लास्ट, अंत में ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया टू लीव द वर्ल्ड, संसार को छोड़ देने का। एंड वांडर अबाउट, और भ्रमण करने का, इन सर्च ऑफ निर्वाण की प्राप्ति के लिए। अंत में उन्होंने निर्णय किया कि वो संसार को छोड़ देंगे और निर्वाण की प्राप्ति के लिए पूरे विश्व में भ्रमण करेंगे। दस इस प्रकार वी सी, हम देखते हैं दैट की फेट प्लेड इट सोल, कि फेट मतलब भाग्य ने प्लेड इट सोल, अपनी भूमिका को निभाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाग्य ने अपनी भूमिका को निभाया। द अटेम्प्ट ऑफ द किंग, राजा का प्रयास टू शट आउट फेट, भाग्य को रोकने के लिए फेल्ड, असफल साबित हुआ। तो राजा का हर प्रयास उनके भाग्य को बदलने के लिए वह असफल साबित हुआ। तो फ्रेंड्स, ये रहा एक द लाइट ऑफ एशिया का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, उसका आंसर मैंने अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। एक या दो बार देख लेंगे तो यह प्रश्न और इसका आंसर आपको कम्प्लीटली जो है याद हो जाएगा। परीक्षा में आप लिख सकते हैं, द लाइट ऑफ एशिया के बहुत सारे क्वेश्चन और उसके आंसर हमने अपने हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और यहाँ तक यदि लाइट ऑफ एशिया की पूरी बुक्स पढ़नी है तो मैंने 10 पार्ट में पूरी बुक को कवर किया है, आप उनको भी पढ़ सकते हैं और द लाइट ऑफ एशिया की स्टोरी के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।